हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट्स अप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो आप लोगों का ईद कैसा रहा? आई होप आप सब लोग ईद पे बहुत ही इंजॉय किए। और सॉरी गाइस, सॉरी, मैं ईद के दिन कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल नहीं ला पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसलिए। सो आज का जो वीडियो है, आज कोई मेकअप वीडियो नहीं है, आज कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोग इसे खरीदने से पहले एक बार सोचना जरूर। और ये इसमें इस प्रोडक्ट में सारे के सारे ज़्यादातर फेस वॉश है क्योंकि मैं फेस वॉश ज्यादा ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ। खरीदने से पहले मैंने बहुत ही मन से खरीदा था और मैंने सोचा था मुझे हेल्पफुल होगा, बट ये सारे की सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किए हैं। सो ज्यादा बकबक ना करते हैं, देखते हैं मैंने कौन सा प्रोडक्ट खरीद के पछतावा हो रहा है। तो चलो, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का टी ट्री फोमिंग फेस वॉश। और आप देख सकते हो इसे, और इसका ढक्कन कहाँ चला गया मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सो ढक्कन कहाँ घूम गया मुझे पता नहीं। और आप लोग देख सकते हो ज़्यादा ख़त्म भी नहीं हुआ है इसे, मैं देख सकते हो आप इतना तक भरा हुआ है। मैंने इसे दो या तीन बार यूज़ किया है बट मुझे इसे यूज़ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ये फेस को ज़्यादा क्लीन नहीं करता है, मतलब ऐसा लगता है आपके फेस पे फेस वॉश धोते जाओ फिर भी ये उतरता नहीं, मतलब फेस को क्लीन नहीं करता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग, आपको इस बॉटल को देख के समझ ही गए होंगे कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये इतना भरा हुआ है। सो ये है 50 ml का प्रोडक्ट और इसका प्राइस मुझे पता नहीं क्योंकि ये करीबन दो साल या एक साल पहले मैंने खरीदा था इसलिए इसका ढक्कन भी कहाँ गया, इसका प्राइस का भी पता नहीं। सो इसे खरीदने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर सोचना कि ये प्रोडक्ट आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। मैंने सोचा था फोमिंग फेस वॉश है सो ये बड़ी अच्छी तरीके से क्लीन करेगा, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई इस गुड वाइब्स की ये प्रोडक्ट से। अदरवाइज गुड वाइब्स का जितना भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। मैं गुड वाइब्स का क्यूकम्बर जेल यूज़ करती हूँ, टोनर यूज़ करती हूँ, बहुत सारा प्रोडक्ट मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ, वो सब ठीक है, बट ये टी ट्री फोमिंग फेस वॉश मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। सो फर्स्ट प्रोडक्ट ये मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदा था, पर्पल से मुझे फ्री में आया था। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आल्प्स गुडनेस का वॉश जेल नीम बाम बेसिलकुम फेस वॉश और फेस जेल है ये, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग देख सकते हो इसको, डब्बे को देख के ये पूरा का पूरा भरा ही है। इसे मैंने सिर्फ दो बार यूज़ किया था, बट ये सेम फार्मूला है गुड वाइब्स की तरह, धोते जाओ बट फेस को क्लीन नहीं करता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, डिसअपॉइंट किया, बट मैंने इसे अपने पैसों से नहीं खरीदा था। फिर भी आप लोग अगर इसे खरीदना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना, मुझे एक बिल्कुल बेकार सा प्रोडक्ट है, बिल्कुल बेकार सा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये जो प्रोडक्ट है वो भी एक फेस वॉश है क्योंकि मैं फेस वॉश ट्राई करती रहती हूँ, आपको आप लोगों को मैंने बोला ही था। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डर्म डॉग का एंटी एक्ने फेस वॉश विथ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड देख के ही मैंने इसे खरीदा था क्योंकि मेरा एक्ने प्रोन स्किन है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आप लोग इसका देख लो, अगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जितने भी सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से काम करता है, मुझे मैंने देखा था। और ये भी मैं ऐसे खरीदने से पहले मैंने यूट्यूब में रिव्यू देखा था, उसके बाद ही मैंने ये खरीदा था। बट रिव्यू में तो बहुत ही अच्छा बोला था बट मेरे ऊपर, मुझे मेरी स्किन पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पिंपल और एक्ने कम होने की बजाय मेरा ज़्यादा बढ़ गया। सो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आप लोग देख सकते हो उसे, बेकार सा प्रोडक्ट था, मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। सो थर्ड प्रोडक्ट ही ये। ऑल राइट, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक बॉडी वॉश है और इसे भी मैंने रिव्यू में देख के ही खरीदा था। मैंने सोचा था इसका ब्रांड इतना अच्छा है सो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा बॉडी पे, बट मैं गलत थी। आप लोग पहले इसे देख लो, ये है डेटोल का रिफ्रेश,
इसे मैंने रिव्यू में देख के खरीदा था और आप लोग देख सकते हैं, और थोड़ा सा ही मैंने यूज किया था क्योंकि मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा था, सो वेस्ट हो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे यूज किया था। बट अभी इसे यूज नहीं करती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और हाँ, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत ही नो डाउट बहुत अच्छा है, बट इसका फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं है। इसका मुझे फोमिंग फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें झाग निकलता है, बट इसमें झाग नहीं निकलता है। ये ऐसा लगता है बॉडी पे किसी ने मॉइस्चराइज लगा के को पानी दे के भी नहीं उतरता है। मतलब फेस वॉश का फॉर्मूला है, धोते जाओ बट क्लीन नहीं होता है, सेम फॉर्मूला इसका है। सो बॉडी वॉश लगाने का क्या फ़ायदा अगर आपके बॉडी को ये क्लीन ही नहीं करता है। ये बॉडी को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी नहीं करता, मतलब इसे मतलब बॉडी में लगता है, अब करते जाओ तो झाग निकलते जाता है, मतलब पानी से क्लीन नहीं होता है ये ज़्यादा जल्दी। और मुझे पसंद नहीं है, मैंने सोचा डेटोल का है बहुत ही अच्छा होगा, बट ये मुझे डिसअपॉइंट किया है। बट हाँ, नो डाउट इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही कमाल का है, बट इसका फॉर्मूला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 200 और इसका 250 ml का है और 200 का ये है, और क्या बताओ इसके बारे में, मुझे अच्छा नहीं है ये। लास्ट प्रोडक्ट है वो भी एक फेस वॉश है, और ये है बायोटिक का बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, आप लोग इसे जानते ही होंगे। और इसे मैंने रिव्यू में देख के ही खरीदा था, बट क्लेम करता है एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, अगर आपका फेस वॉश फेस को क्लीन करता है तब भी आपका फेस क्लीन दिखता है, उसके बाद आपको फेयर लगता है। बट अगर आपके फेस वॉश आपको फेस को क्लीन ही नहीं करता है तो फेयर कैसा दिखेगा। बट ये क्लेम करता है फेयरनेस फेस वॉश, बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से फेस को क्लीन नहीं करता है, मुझे बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं आया। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी बॉटल देख के, ये इतना सारा भरा हुआ है। इसे मैंने 2 या 3 बार यूज़ किया था बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा एक बार यूज़ किया तो गलती से हो गया होगा, फिर नेक्स्ट दिन अच्छा होगा, बस 3 दिन ऐसे करके मैंने 3 बार इस्तेमाल किया, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, बेकार सा प्रोडक्ट है। आप लोग खरीदने से पहले एक बार सोचना ज़रूर। सो देख सकते हो, और ये 100 ml है, और इसका प्राइस 120 में मैंने लिया था इसे, और ये पर्पल पे सेल आता रहता है, बट ये मनी वेस्ट प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप लोग ज़रूर सोचना एक बार कि आप लोग इसे खरीदोगे या नहीं। मैंने भी रिव्यू देख के ही इसे ये सारे प्रोडक्ट को आप लोग खरीदने से पहले सोचना ज़रूर, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में रिव्यू देख के ही इन सारे प्रोडक्ट को मैंने ख़रीदा था, बट मैंने सोचा ये हेल्पफुल होगा, बट बिल्कुल भी मनी वेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए। पता नहीं आप लोगों की स्किन पे कैसा असर हुआ होगा, बट मेरी स्किन पे ये बिल्कुल भी नहीं गया, और मेरे ऑयली एक्ने प्रो स्किन है, सो मेरे लिए तो ये मनी वेस्ट प्रोडक्ट। आज का वीडियो इतना ही, छोटा सा ही वीडियो है, छोटा सा ही रिव्यू है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना, साइड में एक छोटा सा बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो अभी के लिए बाय।